वैज्ञानिकों ने तेज की एलियंस को खोजने की कोशिशें। आकाशगंगा के उस हिस्सों में खोज चल रही जहां तारों का घनत्व बहुत ज़्यादा है। कई कोशिशों के तहत वैज्ञानिक अलग तरह के सिग्नल्स की ओर ध्यान दे रहे। वैज्ञानिकों ने ऐसे परग्रही जीवों की खोज तेज कर दी है जो तकनीकी रूप से इंसान से कहीं ज़्यादा आगे हो सकते हैं। वैज्ञानिक हमारी आकाशगंगा के उस हिस्से को खोज रहे हैं जहां तारों का घनत्व बहुत ज़्यादा है। वे ऐसे किसी सिग्नल की तलाश में हैं जो किसी ऐसे ग्रह से आए जहां एलियंस रहते हों। अब तक एलियन तकनीक को पहचानने के लिए वैज्ञानिकों को ध्यान सीमित फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो सिग्नल पर केंद्रित हो रहा है, लेकिन नई कोशिशों के तहत वैज्ञानिक अलग तरह के सिग्नल्स की ओर ध्यान दे रहे हैं जो आधुनिक सभ्यताओं द्वारा अंतरिक्ष के विभिन्न हिस्सों के साथ संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। बुधवार को वैज्ञानिकों ने बताया कि वे ऐसे सिग्नल खोज रहे हैं जो हर 11 से 100 सेकंड्स के बीच बार बार आते हैं। यह लहरों का एक पूरा दौर होता है जो हर 11 से 100 सेकंड के बीच लौटता है और इसका पैटर्न रडार ट्रांसमिशन जैसा होता है। संभावनाएं बहुत हैं। भारतीय मूल के अक्षय सुरेश ने एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल नामक पत्रिका में एक शोध प्रकाशित किया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट छात्र सुरेश ने कहा है कि जिस कैटेगरी के सिग्नल वे खोज रहे हैं वे अगर मिलते हैं तो उनका सीधा अर्थ होगा हम यहाँ हैं। सुरेश ने बताया, ऐसा संभव है परग्रही जीव पूरी आकाशगंगा में संदेश भेजने के लिए ऐसे सिग्नलों का इस्तेमाल करते हों। ऐसे सिग्नल खोजने के लिए मिल्की वे का केंद्र एक आदर्श जगह है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए एलियंस ऐसे संकेत भेजते होंगे, जैसे कि किसी तारे के विस्फोटक अंत से पहले अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान।